एक गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर पोस्ट एसएससी डिप्लोमा टेक्निकल कोर्सेज एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन प्रोसेस 2022 एंड 2023 के बारे में गाइस। तो बेसिकली गाइस, यहाँ पे जो प्रोविजन मेरिट लिस्ट था उसको डिस्प्ले कर दिया गया था 13 अगस्त को, राइट। 13 अगस्त को डिस्प्ले करने के बाद आपको 4 दिन का टाइम दिया गया था कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो आप करेक्शन कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चों लोग को वहां पे डिस्प्ले भी किया गया होगा, राइट। डिस्प्ले क्या किया गया था कि डिस्क्रिपेंसी, मतलब किसी का कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होगा, किसी का नाम में प्रॉब्लम था, किसी का मार्क्स में प्रॉब्लम था, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो किस तरीके से सॉल्व करना था उस पर मैंने वीडियो बनाया था गाइस। और ग्रीवेंस कैसे कर सकते हो, आप उसको सबमिट कैसे कर सकते हो, इस पर भी मैंने वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म किया था, अपडेट किया था गाइस। अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी भी आपके पास टाइम है, वो पहले वीडियो देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करना है गाइस। कोई लेंदी प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही कम टाइम लगेगा, आप 5 मिनट में पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस मैं पहले ये बता दूं कि आपका जो ग्रीवेंस वाला टाइम है वो 17 अगस्त तक का टाइम है, क्लियर। इस वीडियो में मैं आपके साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, ठीक है। तो मैंने उनका फाइनल जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट कर लिया है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबको मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो आज 17 अगस्त यानी कि आज लास्ट डेट है गाइस, और आज का जो रात की 12 बजे का टाइम है गाइस, ठीक है, वो लास्ट डेट है। आप अभी भी अपने फॉर्म में अगर एडिटिंग या कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो उसको चेंज कर सकते हो, ग्रीवेंस कर सकते हो गाइस, राइट। तो चलिए, तो ये तो हो गया 17 यानी कि आज का, और कल क्या है गाइस, बेसिकली 18 अगस्त है, और कल के दिन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि अब आपका नाम कैप राउंड में आएगा ही, ठीक है। प्रोविजन मेरिट लिस्ट का मतलब क्या था कि सिर्फ आपको आपके फॉर्म में करेक्शन करने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, एक मौका दिया जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है, अब आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा कि आप अपने फॉर्म में कुछ भी चेंजेस कर सको, राइट। और अगर आप अपने फॉर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं करते हो और बाद में आपके फॉर्म में कुछ चेंजेस आता है और डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो आपका एडमिशन वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए गाइस अभी भी आज का जो डेट है 17 अगस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप फटक से फॉर्म में चेंजेस करना स्टार्ट कर दीजिए अगर चेंजेस है तो, राइट। तो चलिए, तो कल का डेट है, कल मैं बताऊंगा आपको कि कब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा गाइस। तो मैं कंटिन्यूअसली आपको अपडेट देते आ रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, मैं अब इसके बियॉन्ड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बता देता हूँ, राइट। चलिए इसके मैं आते हैं अभी होम पेज पे, फर्स्ट वन। तो जैसे कि प्रोविजन मेरिट लिस्ट आया था गाइस, तो इसमें आपका महाराष्ट्र स्टेट, ऑल इंडिया, ठीक है, और जम्मू कश्मीर, ये 3 के लिए आया था। और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको ब्लॉक करके उनका एक लिस्ट बना के दे दिया गया था कि आप लोग का आईडी ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन इसके बियॉन्ड भी बच्चों में ऐसे पूछे थे कि जिन बच्चों का ब्लॉक आईडी हो चुका है क्या उनका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट। मतलब उनको एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस आप लोग को भी मौका मिलेगा। तो इसीलिए DTE ने क्या किया हुआ है कि उन बच्चों लोग का नाम फिर से एक्टिव कर दिया है जिनका ब्लॉक हो चुका था। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ द डुप्लीकेट आईडी ब्लॉक फॉर द प्रोविजन मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है आपका। ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने 2 बार फॉर्म फिल किया था तो बेसिकली उनका ही ब्लॉक किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, अराउंड यहाँ पे 42 पेजेस है, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो कि कोई भी पेजेस पे यहाँ पे देख सकते हो, आप अपना नाम भी सर्च कर सकते हो कि आपने 2 बार फॉर्म फिल किया था तो आपके कौन से एप्लीकेशन आईडी एक्टिव है और कौन सा आपका एप्लीकेशन आईडी एक्टिव नहीं है, यानी कि कौन सा ब्लॉक्ड है, क्योंकि आपने 2 नंबर से फॉर्म फिल किया होगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपने सेकेंड टाइम फॉर्म फिल किया ना वो आपका एक्टिव होगा, जो आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया उसको ब्लॉक कर दिया हुआ है, ठीक है। बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे सर मेरा आईडी ब्लॉक है, नहीं आप चेक कीजिए कि आपका कोई दूसरा एप्लीकेशन आईडी नंबर होगा, फिर नहीं आपको मिल रहा है आपके मोबाइल्स में, ईमेल में, तो आप यहाँ पे आके लिस्ट में चेक कर सकते हो। कैसे करना है आप यहाँ पे, मैं ऊपर लेके आता हूँ आपको, ये देखिए आपका यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी है, ठीक है,
ये आईडी आपका, दो आईडी देखो यहाँ पे जनरेट हो गया एक ही बच्चे का। और बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट ग्रीन दिख रहा है, तो मतलब फर्स्ट वाला एक्टिव है और सेकेंड वाला डीएक्टिव है, मतलब कि ब्लॉक कर दिया गया। अभी जो ब्लॉक हो गया ना गैस, उसका टाइमिंग देखो कितना है कि 2:30 बजे के आसपास का है, ठीक है। और जो सेकेंड है वो 5:10 के आसपास का है, मतलब 5:10 के आसपास का टाइमिंग है। तो यानी कि सेकेंड जो फॉर्म है उसको एक्टिव किया हुआ है और जो फर्स्ट फॉर्म है उसको डीएक्टिव कर दिया है। क्लियर गाइस? तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका कौन सा एप्लीकेशन आईडी एक्टिव है, उसे आपको लॉग इन करके उसमें फिर चेंजेस करना है गाइस। क्लियर? ओके, तो ये हो गया ब्लॉक आईडी वाले बच्चों लोग का और डुप्लीकेट वाले बच्चों का। इसके बियॉन्ड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, तो मैं आपको इसको और डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे इसमें कोई डिटेलिंग नहीं चाहिए, आप इसमें बस चेक कर लीजिए आपका एप्लीकेशन आईडी एक्टिव कौन सा है, उसमें लॉग इन कीजिए और लॉग इन में देखिए कि माई होम फर्स्ट ऑप्शन आएगा, जिसपे मैंने वीडियो बनाया हुआ है गाइस, ठीक है। माई होम पे जाइए और वहां पे चेक कीजिए कि आपको डिस्क्रिपेंसी किस में आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है वहां पे तो आप उसमें कुछ चेंजेस आपको लगता है करना चाहिए तो आप उसमें चेंजेस करके सबमिट कर सकते हो, ग्रीवेंस कर सकते हो, राइट। अब ये ग्रीवेंस कैसे करना है, इसमें मैंने वीडियो बना दिया हुआ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है ईच एंड एवरी वीडियो का, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सको गाइस, ठीक है। क्योंकि आज लास्ट डेट है, मतलब आज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट थिंग गाइस, मैं और आपको एक इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज है बच्चों लोग के लिए। अब मेरे से बच्चे लोग पूछ रहे थे कि सर हमारा नाम नहीं आया, ठीक है, मैंने फॉर्म फिल किया, मेरा मार्क्स भी अच्छा है, 86 है, 90% है, बट मेरा नाम ही नहीं आया फॉर्म में, प्रोविजन मेरिट लिस्ट में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर, ठीक है। उसके लिए कुछ वीडियो बनाओ, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट बताओ सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। बच्चे लोग को अगर मराठी आती होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन बच्चों को मराठी नहीं आती मैं उनको भी बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन बच्चों लोग का नाम जिनका प्रोविजन मेरिट लिस्ट में नहीं आया हुआ है उनको एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है कि वो अपने एप्लीकेशन आईडी को ओपन करे, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस है, मतलब ऐसे बच्चों का नाम नहीं आया प्रोविजन मेरिट लिस्ट में क्योंकि उनके फॉर्म में ही कुछ ना कुछ मिस्टेक था, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में ही मिस्टेक था, तो इसलिए उनका प्रोविजन मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया। लेकिन यहाँ पे आपको मौका दिया जा रहा है, मौका यह है कि आप अपने फॉर्म में चेंजेस कीजिए, ठीक है, और ये जो चेंजेस होगा और उसके बाद आपका क्या होगा, सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, प्रोविजन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है, अब किस में आएगा, सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि कल के डेट में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी चेंज करते हो, देखिए अभी आप चेंज करोगे तो आपका जो फैसिलिटी सेंटर है वो ऑलमोस्ट बंद हो गया, ठीक है, मतलब बंद ही हो जाएगा। अगर आपके आसपास है जो 6 बजे तक चालू है, इवनिंग के 6 o'clock तक चालू है, तो आप जाके कर सकते हो, लेकिन आपका फॉर्म भी करने में ही आपका टाइम चले जाएगा, तो फैसिलिटी सेंटर तो आपको लेगा ही नहीं फिजिकली वाला, तो आप ई स्कूनिटी के बेस पे यहाँ पे सब कुछ अपलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। क्लियर? अभी भी टाइम है, रात की 12 बजे तक का टाइम है गाइस, ठीक है, डेट एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि एडमिशन प्रोसेस वाला डेट बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया था, तो यहाँ पे वही मौका दिया हुआ है। अगर जिन बच्चों ने नहीं कुछ भी किया, नहीं सबमिशन किया उन्होंने, ठीक है, कोई ग्रीवेंस नहीं किया, तो उनका आगे भी नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27 पेजेस के पूरे लिस्ट बने हुए, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ठीक है, अराउंड मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर बच्चे हैं, ठीक है, 1228, ठीक है, इतने बच्चे हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम सर्च कीजिए, आपका नाम आया कि नहीं आया, ये पीडीएफ का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है, पीडीएफ का लिंक आप वहां से सीधा डाउनलोड कीजिए और उसमें सर्च कीजिए कि आपका नाम है क्या इसमें, जिन बच्चों का नाम नहीं आया, भले ही मार्क्स है लेकिन नाम नहीं आया, राइट। और इसके बाद फॉर्म फिर से फिलअप कीजिए या जो भी चेंजेस करने हैं चेंजेस कीजिए। देखिए मैं चेंजेस वाले पे कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वहां पे आप इजिली चेंजेस कर सकते हो, आपको मालूम है आपने फॉर्म फिल किया है, डॉक्यूमेंट लीजिए अपना, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट लीजिए, सामने सामने फॉर्म फिलअप कीजिए फटाफट, राइट। और कुछ डाउट है तो मुझे कॉमेंट कर दीजिए, मैं आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई दूंगा क्योंकि आज का लास्ट डेट है, ठीक है, तो ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और इसके बियॉन्ड गाइस ये हो जाएगा आज का आपका कंप्लीट, आज का डेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है कि कल का वेट करना है, कल फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम है या नहीं है, ठीक है।
और फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, कितने बजे तक आएगा, ये मैं आपको अपडेट करता रहूंगा वीडियो के थ्रू। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइस, क्लियर। और नेक्स्ट थिंग है कि कैप राउंड 1 ये स्टार्ट हो जाएगा 19 अगस्त से गाइस, तो ये आपके लिए फाइनल हो गए कि 19 से आपका राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चे लोग का डाउट है कि क्या सर मेरा नाम गवर्नमेंट कॉलेज में आएगा कि कैसे आएगा, प्राइवेट कॉलेज में आएगा। देखिए तो ये बेसिकली आप फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ही बताऊंगा मैं, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम तो आना चाहिए पहले, राइट ना। जिन बच्चों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा उनका कहीं पे भी एडमिशन नहीं होगा, राइट। और एक डाउट और था बच्चों का कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो क्या मैं डायरेक्टली एडमिशन ले सकता हूँ? नहीं, आप डायरेक्टली एडमिशन कहीं पे भी नहीं ले सकते हो विदाउट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सब जगह अब ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है, सबका डेटा कलेक्शन होता है गाइस, ठीक है। तो इसीलिए अब शायद मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन लेते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना कंपलसरी हो जाता है। तो इसीलिए गाइज लेट्स सी क्या होता है, आप अपने आसपास कॉलेज में विजिट कीजिए, इस बारे में वहां के टीचर से बात कीजिए, प्रिंसिपल से बात कीजिए, ठीक है। अगर आपका एडमिशन होता रहेगा ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप नेक्स्ट टाइम उसको अटेम्प्ट कीजिए, अप्लाइड कीजिए, राइट। तो चलिए गाइज इस वीडियो में बस मुझे इतना ही आपको अपडेट करना था, आज लास्ट डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, कल से फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। चलिए गाइस अगर इसके बियॉन्ड आपको कोई डाउट पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।